यूट्यूब चैनल अरविंद ब्लॉगर की। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद पीजीएम सेटअप का है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सेट क्या अपडेट है। तो देखो कमरे के कबूतर खुले हुए हैं हमारे, दाना पानी रखा है, ब्रीडर हैं सारे, इनके बच्चे लेते हैं, देखते हैं अंदर बच्चे कुछ निकल रखे हैं नहीं। लाइट जला दो उसकी। सामने एक बच्चा बैठा है, एक नहीं दो बच्चे हैं, किसी जोड़ ने निकाल रखे हैं। बाकी एक बच्चा है पानी पी रहा है, ये भी कुछ टाइम पहले का ही है, बड़ा होकर निकल गया बाहर। एक वहाँ है और बाकी पेटी में दिखा देता हूँ क्या अपडेट है। इसमें भी बच्चे निकल रखे हैं, दो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। बाकी इसमें कबूतर बैठा है, इसमें भी अंडे हैं, शायद बच्चे हैं, अंडे रख रखे हैं इसने। इसमें एक बच्चा है, काफ़ी बड़ा हो गया, दिखा दो निकाल के बाहर। ये देखो देवबंदी बच्चा है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा वहाँ बैठा ऊपर सामने ये वाला। सब उड़ान के हैं, हाई फ्लायर है ये, मद्रासी की जोड़ है, इसने अंडे रख रखे हैं। बाकी एक लाल बच्चा निकल रहा है, नीचे अंडा रखा हुआ कबूतर अलग बैठे। बाकी दो बच्चे रहे। तो यहाँ की अपडेट दिखा दी मैंने। तो एक भाई कलर के लिए कह रहे थे, भाई मुझे कलर पसंद नहीं है, वैसे बता देता हूँ मैं, कलर आता है जल्दे वाला जो खाने में डलता है, येलो कलर बहुत डार्क कलर होता है, छुटता नहीं है। और स्प्रिट लिया और एक स्प्रे लिया, स्प्रे की बोतल में वो कलर थोड़ा सा मिलाओ स्प्रिट के साथ, तो स्प्रे करके कलर कर लो, कोई सा भी जो करना हो आपको, वो साथ के साथ सूख जाता है, इससे बेनिफिट होता है ना, पर ख़राब होते कबूतर के, और एकदम कलर सूख जाता है, लगाते ही सूख जाता है एकदम, छोड़ दिया करो। तो हमें कलर पसंद नहीं है इसलिए हम लगाते नहीं है कलर, हमें कबूतर ऐसे ही अच्छा लगता है। अभी वो अपडेट आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कमी आना होता है, ज़्यादातर भैया ही देखते हैं, तो आप कह रहे थे इस वजह से आना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी हूँ ब्लैकी के बच्चों की देखभाल करने में। अभी ब्लैकी के बच्चे थोड़े छोटे हैं, उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो गाइस चल के ब्लैकी को और उसके बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। 2000 years later. ब्लैकी छत पर लाया हूँ मैं, इसकी एक मजबूरी थी, यहाँ बंदर आ गए थे छत पर, तो इस वजह से इसे ऊपर लाना पड़ा। और सामने देखो एक और जो इसका फ्रेंड है, वो भी बंदरों की वजह से छत पे है, गया नीचे, शर्माता ज़्यादा है फ़ोन से। तो ब्लैकी हमारी परेशान है थोड़ी, बंदरों की वजह से बंदर चले गए ऊपर छत पर, वो ब्लैकी यहाँ देखती फिर है, कुर्सी पर बैठ गया, नवाब हो रहा नवाब। अरे कहना क्या चाहते हो? घर में अकेला घूमता है सारे दिन, छत पे ऐसे रहता है, और अब कुर्सी पे ऐसे बैठ गया मंत्रियों की तरह, मजा नहीं आ रहा है। जब मंत्रियों कहीं और ब्लैकी को देख रहा बैठ के दीवार पे खड़े खड़े परेशान हो गया था। ले भाई देखो ये ऊपर से वैसे ब्लैकी को देखता रहता, नीचे बराबर वाली छत पे रहता है, पर लगता बहुत क्यूट है। एक एक साइड आइज पे इसके ग्रे कलर आ रहा है, एक पे वाइट आ रहा है, वैसे ग्रे और वाइट कलर में पिटबुल मेल है, 2 साल का हुआ होगा अभी। हमारी ब्लैकी से इग्नोर कर देती है, पर चीटिंग करता है तू। ये भी परेशान रह रही है, बंदरों की वजह से परेशान है, ये मेल की वजह से परेशान नहीं है। और देखो हमारी ब्लैकी कितनी हार गई है अभी, तो और हारेगी, कितना भी खिला लो इसे, बच्चे दूध पियेंगे तब तक, इसका तब तक ये ऐसी सूखती रहेगी। ब्लैकी थोड़ी परेशान है बंदरों की वजह से, चलो इसे नीचे लेके चलते हैं, बंदर तो आने के नहीं है, चले गए वो ऊपर जहाँ जाना था। क्यों भाई ब्लैकी? बंदर आ गए हैं वहाँ सामने, ब्लैकी को डरा रहे हैं, दिखा देता हूँ, अरे ऊपर से नीचे आ गए हैं,
वो ब्लैकी को पूरा गुस्सा दिला रहे हैं। ब्लैकी चाहती तो उधर चली जाती, मैंने रोक लिया एकदम वीडियो बनाने से पहले, लेकिन ये छत पे चल जाती है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं 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 ब्लैकी यहाँ वापस, नीचे गिर जाएगी, नीचे आ जा। बस हवा निकल गई। देखो मैंने कहा था ये पार कर देगी यहाँ से, दीवार पार करके यहाँ पे चली जाती है। वो बंदर भाग गया। अरे भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। चलो चले गए हैं, बोला कि गए बंदर, चलो अब दूसरों के घर में चली जाएगी वरना वो डर जाएंगे। वैसे पिटबुल से आदमी ऐसे डरे हुए हैं, पता नहीं क्या देख लिया। बात तो सही है। काफ़ी देर भाग लिए बंदरों के पीछे, तो आपको पपीज का शौक भी करा देता हूँ। ब्लैकी दूध रखा है सर, पी लो, पहले फिनिश करो इसे दूध का। चलो दूध पिए, बाद में जाना बच्चों के पास। जैसे पता वीडियो बनाते बच्चों के पास चल देती है, जो मुझे वीडियो ना बनाने देख को यार। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो आज पपीज का शौक कराता हूँ, इनकी आइज खुलने लगी है, ये सो रहे हैं मजे में। चलो बैठ जाओ। ये 8 से 10 दिन के हो गए हैं, ये सबसे छोटा है, तो देखो कितने फुर्तीले हो गए हैं। तो इनकी आइज का भी शौक कराता हूँ, इनकी आंखें खुलने लगी हैं धीरे धीरे, तो दिखाता हूँ मैं। ये देखो आंखें इनकी, अभी 1-2 दिन लगेंगे ना आंखों से देखने में सही से, जैसे आंखें खुलती है कभी भी इतनी जल्दी देख नहीं पाता बच्चा, आंखें साफ होती हैं धीरे धीरे। ये फुल हॉट ब्लड लाइन के हैं भाई, ये सारे बहुत गर्म खून के हैं, फुल फाइटर लाइन के। मिट्टी लग रखी है मुँह पे, सो रहे थे इस वजह से। चॉकलेट की भी दिखा देता हूँ, ये देखो इसकी आइज थोड़ी ब्लू ब्लू सी है, ब्लैक वालों की ब्लैक थी। एक आँख थोड़ी खुली, अभी खुल जाएगी, अभी सोकर उठा। क्या हुआ? रुक जा रुक जा, अभी छोड़ रहा हूँ। देखो हाथ में भी नहीं रुकते। देखो फीमेल की आइज, ब्लू आइज है। अब इनका सेलेक्स चालू कर दूंगा तो ये बहुत तेज हो जाएंगे। ये ब्लैक वाला मेल है, बहुत पावरफुल मेल है और एपीबीटी लाइन पर गया, इसके फेस से बता सकता हूँ मैं बचपन से ही। बहुत तगड़ा मेल बनेगा, फेस वगैरह सब एपीबीटी पे गया। मुझे भी एक मेल रखना, पर देखूंगा इसे रखूँ ब्लैक को या चॉकलेट रखूँ। वैसे तो चॉकलेट रखना सोच रहा, ब्लैक तो मेरे पास है ब्लैक ही, और उसकी ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा बचपन से ही। तो भाइयों जिस भाई को भी मेरी इनकी पप्पीज की इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए हो तो मेरे YouTube पे कमेंट करें, और YouTube पे कमेंट कर सकते हो पर उस पर इतना रिप्लाई नहीं मिलेगा जितना Instagram पे मिलेगा। मेरा चैनल है Instagram चैनल अरविंद ब्लॉगर कुकी के नाम से, ये Instagram चैनल भी, तो उस पर जाके कमेंट कर सकते हो। कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो तो उससे पूछ सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो मेरे Instagram चैनल को। तो भाई ये सबसे छोटा है, इसकी आँख अभी नहीं खुली होगी, इसकी कल तक खुल जाएगी, पर थोड़ी थोड़ी खुल रही है देखो, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा है और सबसे ज़्यादा है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, सबसे बाद का बच्चा है, इस वजह से छोटा, बड़े हो गए सब एक से हो जाएंगे। अभी ये सेरेलैक्स खाना शुरू करेगा तो ऐसे ही हो जाएगा इनकी तरह, साल भर में पूरा डॉग हो जाएगा इनके जैसे ही, हाइट पर फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ भी। तो गाइज जो भी मेरे चैनल पे नया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल शेयर करें, ताकि आपके पास रोज़ रोज़ मेरे नए ब्लॉग पोस्ट रहें। तो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।